दोस्तों मैंने एक प्रैंक किया, हमारे गांव की एक महिला, इन्होंने हमें हाथ दिया, हमने गाड़ी नहीं रोकी, मैं 3500 तो गैल देता गली में गजी। अब आगे गाली क्यों दी आपने हमें, क्या दिक्कत होगी, लड़ाई हुई क्या? अरे 45 रुपए का खिला रखा हां, पोस्ट ऑफिस में जाके बोल रहा है कि 100 रुपए का खा दिया मेरा। 100 क्यों का है, तूने 45 खिलाया तो 40 रुपया चौमिन में, 5 रुपया फॉर्म में, 45 है भैया। अरे फोटो स्टेट 5 रुपया, चल कितना हो गया, चल 10 मान, चल स्टेट तो इसी का है। बाद मेरा 82 से वेट पहुंच गया 77, अंतर तो कुछ नहीं है, जय बैठ भेजो कम लगे आपको कम हुआ है। पहले नहाया, नहाया तो नहाया, कपड़े धोए, वे बात बंठन वे जेस्टी जेस्टी उम्र है जी। चखो कैसे हो रही, आप भी चखो, बहुत अच्छा, गजब मजा आ रहा है। मेरे मुंह पे करे यार, सही है, सही है, एकदम चटनी भी ठीक हो रही होगी। गुड मॉर्निंग यार दोस्तों, तो नए दिन की नई सुबह आप सभी का स्वागत है। दिन खिल चुका है, धूप खिल चुकी है और मौसम काफ़ी भयंकर हो रहा है पहाड़ों में, और प्रकृति में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। देख सकते हैं सारा कुछ हरा भरा है यार इस बीच, और 4-5 दिन बाद जो हमारा त्यौहार है 8वां वो प्रारंभ हो जाएगा। तो बहरहाल यार, माता जी लोग सुबह सुबह निकल गए मार्केट की ओर कुछ शॉपिंग करने उन लोगों ने, लेकिन मैं थोड़ा लेट उठा जिस वजह से मैं जा नहीं पाया। तो अभी कॉल आएगी यार, कुछ सामान भी लाना है और हमें लेने के लिए आ जाओ, तो मैं निकलता हूँ थलकी बाज़ार की ओर। और थलकी मार्केट हमारे वहाँ से बाय रोड 3-2.5 किलोमीटर, और पैदल अगर हम जाते हैं 5 मिनट में पैदल चल के हम थल पहुँच जाएंगे, बट थोड़ा आते वक्त स्ट्रीप है तो सारे लोग गाड़ी को प्रेफर करते हैं। तो चलते हैं थलकी बाज़ार की ओर, फिर मिलते हैं आप सभी को। बाय। यार दोस्तों, जब गांव के लोग बाजार आते तो इनकी डिस्कशन सुनो। इनका मुर्गी नीचे आई, आपने क्या किया, क्या किया था, चौमिन खिलाई, चौमिन खिलाई, और फोटो स्टेट के किसने दिए, इसने दिए 5 रुपए दिए उसके, चौमिन कितना खाई, कितनी की होगी, 50 रुपए की होगी, 50 के चौमिन, 45 एक जी का गया। अरे कभी इसकी मुर्गी रोड में आई रहती है, कड़क 1200 रुपए की, उसमें हम चचा चचा करके आवाज ऊपर ले जाते हैं उसको, वो कुछ नहीं ठहरा इसको यार, 70 रुपए खा गया अभी तक। एक पौवा पिला, एक भाप पिला, तो तुरंत जाता है पौवा, छाड़े बिल छाड़े, अभी छोड़ गया ना, तो अभी 100 मिनट में रो रहे दोनों भाई को आई फ्लू है। इनका कहना है कि जब हम भुगत है तो और कोई भुगत आएंगे, ये चाहो और अल चाहो, चश्मा नहीं बनेंगे बल। तो यार मेरी बात तो कवच है यार, अभी तक मैं तब बचा हुआ हूँ, अदरवाइज मेरे संगत जितने हैं सारे लोग को आई फ्लू है, जब तक यह मन में वहम नहीं है तो तब तक नहीं होगा, बाकी तो भगवान की मर्जी है। क्या ठंडा ले तो, क्या दिक्कत होगी, लड़ाई हुई क्या? 45 रुपए का खिला रखा हाँ, पोस्ट ऑफिस में जाके बोल रहा है कि 100 रुपए का खा दिया मेरा। 100 क्यों का है, अभी तूने 45 खिलाया तो 40 रुपया चौमिन में, 5 रुपया फॉर्म में, 45 है भैया। अरे फोटो स्टेट 5 रुपया, चल कितना हो गया, चल 10 मान, चल तो इसी का है, चल अब बता 50 हो गए, 50 कहाँ गए, इससे बोल रहा हूँ 50 और 70 रुपया खर्च हो ही गया, 30 रुपए का ठंडा ले लिए, 100 रुपया हो जाते हैं, 50 मिर्ची ले लिए, चल पे ठंडे पी ले लो, लाना अब नखरे मत कर, छुट्टा करके दे या तो जो भी है। मेल सावधान, 61 पहली का दूसरी, कितनी कमजोर हो रही हो, चाव नहीं हो शिवो, ये कितने हैवी हो रहे, ये का तो कमजोर है रे, तुम्हारा होगा 65 हड्डी के हिसाब से, मेरी ये तो 50 लेना आदि, ये भगवान, ये तो बहुत ही कम हो गया सब, तू 60 या 50 मानो, मतलब पावन मानो, तू 63 मान, ये तो कितना कम कैसे हो गया यार, ये तो मेरे को दुख हो रहा है इतनी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वेट कैसा होता है, 80+ आना पद होता जी, ये आपका 75 है, 2 77 मानो, 70 आएगा,
77 3 किलो कमजोर हो गया, ये तो बढ़िया हो गया। तो गाइस आप सभी लोगों की खुशखबरी की बात है, मेरा 82 से वेट पहुंच गया 77। अंतर तो कुछ नहीं है, जय बैठ भी दो कम लग रहा आपको, कम हुआ है खीर पकाए घर में घटिया बड़ी। इस बीच यहाँ पता नहीं टायर को किसकी नजर लगी, एक हफ्ते में 3 या 4 बार हवा मतलब लीक हो जा रही है। और कल पीछे वाले टायर में तो पंक्चर चेक कराए, 2 पंक्चर लगे थे, आज अचानक अगला टायर बैठ गया, उसमें पंक्चर चेक करा रहे हैं। जिंदगी तो पंक्चर हो ही रही थी, झंडे चल रहे थे, अब टायर भी पंक्चर हो रहे हैं। तो ये बार इसका सॉल्यूशन कराते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें भी तुरंत घर भी निकलना, फिर मिलते हैं पीछे करूँ। दोस्तों मैंने एक प्रैंक किया, हमारे गांव की एक महिला है, इन्होंने हमें हाथ दिया, हमने गाड़ी नहीं रोकी, मैं 3500 तो गैल देता गलीवुड में गजी। अब आगे गाली क्यों दी आपने हमें, वो ऊपर तिरछा वाला खोलो, काला काला होगा, मुड़ी में जाओ, मुड़ी में काल होल, मुड़ी मुड़ी पर का हूं, खुट मुड़ी का हूं, मुड़ी में लूं ऊपर, ओए ओए खोलो मुड़ी को, खुट टायर में हाथ लगूं मैं, बधाई हो काई की बधाई, नाती हुआ है, तुमने गाली क्यों दी हमें, बधाई बरवा गाल देती काल, तमिल गाल ने रुक के गाल देने। तो लोग हम लोग बाहर पे खाना खा रहे हैं, लास्ट टाइम खीर खाई थी बाहर पे, तो आज हमारे पास चटनी, पहाड़ी मांस की दाल और चटनी, चटनी मैंने बनाई, बाकी खाना माताजी ने बनाया और पिताजी लाए पानी वगैरह। यार दोस्तों पहली बार अपनी ज़िंदगी में गर्मी से परेशान हुआ हूँ, पंखे भी काम नहीं कर रहे, अब कहीं कूलर की ज़रूरत ना पड़ जाए फिर चलाने की। बाकी लोग तो काफ़ी, मैं तो मूड ऑफ कर दिया ना खाने से ही पहले, खाना बाहर लगाने के बावजूद पंखे लगाने के 20 मिनट बाद आई माता जी, पहले नहाया, नहाया तो नहाया, कपड़े धोए, वे बात बंठन वे ये उम्र है जी, उन्होंने बाहर से दिखाया रौद्र रूप। यार जो भी है खा तो लिया, लेकिन यार गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब रिहर्सल का भी टाइम हो रहा है, गाँव वाले बाकी लोग आएंगे, तो तब तक थोड़ी बहुत तैयारियाँ कर लेनी है, तैयारियों का जायजा लेते हैं, तैयारी करते हैं, जब फाइनल तैयारी हो जाएगी ना, काफ़ी लोग कह रहे हैं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आफ्टर ऑल जो तैयारी हो जाती है दिखाना, जब पूरी तैयारी हो जाएगी एक बार रिहर्सल पक्का दिखाएंगे, देन उसके बाद जहाँ जाके हमने प्रोग्राम करना है वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। ऐसे आप सभी लोग का सपोर्ट बना रहे, और इस भी जितने भी ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं कल्चर से रिलेटेड, तैयार से रिलेटेड, इसमें आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही आने वाले समय पर हमारे वहाँ आठवा आएगी, नाइमल पर मेला होगा हमारे गाँव पर, चौड़ागोल माफी चाहता हूँ, कुकरौली पर मेला होगा, आठों से रिलेटेड है, तो उन वीडियोस को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। गुड आफ्टरनून यार गाइस, इनके अकाक को इग्नोर करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा यार मैं चश्मा पहन के घर में क्यों बैठा हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ चश्मे में, मैं दिखाता हूँ, ये चश्मे में है, हीराम कहाँ गए, नहीं आई, ये तो नॉर्मल, ये तो चलो ये नॉर्मल में है, तो हमें हो रही अखैन, यू नो आई ब्लू, तो आप लोग जो प्लेन्स में रहते तो इसको हम लोग बोलते हैं अखैन, ये नया नहीं हमारे लिए, बहुत पुराने हैं, लेकिन ये हो किसको रहा है जो बहम कर रहे हैं, तो जिसको आई ब्लू रहा है तो समझ जा रहा हूँ, बहम कर रहे हैं, उंगली डाल रहे हैं, तो फिलहाल ऐसा है कि तैयारी करने के लिए सब लोग आ चुके हैं, और इस बीच आई ब्लू का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एहतियात हमने बरत लिए है, चश्मा पहन लिए है, आई ड्रॉप लाए हैं, समय समय पर आँख धो रहे हैं, आप लोग भी ये करना, बाकी नॉर्मल चीज़ है, बाकी बड़ी बात नहीं है।
इवनिंग है गाइस। तो आज मैं जिक्र कर ही रहा था कि हम सर्दियों पे उस साइड खाते हैं, गर्मियों पे यहाँ पे खाते हैं। तो आज माता जी की भी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी, तो हमने बना लिया यहाँ पे पकौड़ी और हम अपनी उसी जगह पे जाते हैं भैया, गुफा के रास्ते। ओ भैया इस बीच तैयारियों के चलते काफ़ी व्यस्तताएँ हो गई हैं, तो उस वजह से तो आपको दिखाते हैं अब चीज़ें। ये यहाँ पे हम रखेंगे चीज़ें और पिताजी लाएंगे चाय, माताजी अब अपना काढ़ा लाएंगी। और आजकल यार बिल्कुल सब्जियों की वजह से बिल्कुल ऐसा हो गया, मतलब यहाँ पे तो इसको जैसे सब्जी ख़त्म हो जाएगी, बेल ख़त्म हो जाएगी तो इसको हटा देंगे। और जो ये चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस करने के, उससे हमने वहाँ पे आंगन पे जगह होगी उस वजह से फ़िलहाल यहाँ पे इसको एडजस्ट किया है, बट इनकी परमानेंट जगह यहाँ पे नहीं है। बहरहाल तो आपको ले चलते हैं चाय पकौड़ी की ओर, चाय पकौड़ी खाते हैं, इसका लुत्फ लेते हैं। तो यार दोस्तों ये पकौड़ी भी मैंने बनाई है, ये जाओ, और ये चटनी भी मैंने बनाई है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ है। पिताजी माताजी के लिए काढ़ा बनाने के लिए जा रहे हैं, तो माताजी कह रही कि बाद में बनाओगे, अभी हम लोग चाय पी लेते हैं क्योंकि उन्होंने चाय पीनी छोड़ दी है अभी अभी। खेत से काम कर, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी लंबे टाइम बाद बैठ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से ऐसा कुछ भी दिखता है देखो सामने। अभी सर्दियों में ज़्यादा मज़े आएंगे, अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं ना तो कोहरा उठता है यहाँ से, तो पूरा थल लग जाता है, जो पूरा एरिया दिख रहा है पूरा लग जाता है। और ये वाला एरिया लगभग 9:30-10 बजे कोहरा जाता है, लेकिन इस वाले पॉइंट में सबसे लेट धूप जाती है, बढ़िया पॉइंट हमारे यहाँ के लिए। यार इन लोगों ने चाची को इनवाइट तो कर दिया है खाने के लिए, लेकिन ये रोकना ना रुम दिया उन तक, खत्म नहीं होला ये, थोड़ी देर रेस्ट करो। बोका वो कह रहे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने चाची को सिर्फ एक बार बोला चाची पकौड़ी खाओगे, इसलिए वो बिहार न खनियो कोई बात नहीं तम खाओ, एक दात लगूंगा वहाँ है गई। और बाकी फोन में अर्षित की क्लास लग रही है शायद ना, अर्षित की, अच्छा कोई और है, हो गया माहौल बना देना हुआ, अर्षित की क्लास लग रही है देना हुआ। तो ये पकौड़ी तो चाची को कर लिया इनवाइट, क्योंकि आजकल घर में अकेली हैं, बच्चे इनके हैं ग्राफिक गिरा में, चाचा जी जॉब में, बाकी हम निगर गंडे सब घर ही हैं, तो हमें मिला यार एक ला ज्यादा बुलाया दिनों यार, शर्मा होना चाहिए एक बार गून में यार। नहीं ऐसा तो कहते थे, फिर भी ये कहते चलो एक बार और सुन लेते, मतलब एक बार है खाओ भी खाओ, बस बताना कैसा हो रहा है। मस्त खाओ पहली ठीक है, मैं मील बना है।